आज कृष्ण जन्माष्टमी है, हमें भी पता है और आपको भी पता है, लेकिन जो आप में से बहुत कम लोगों को पता है वो ये कि जयपुर में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात को नहीं बल्कि दोपहर के 12 बजे होता है। वो मंदिर है राधा दामोदर मंदिर, जहाँ हम मौजूद हैं ये वही राधा दामोदर मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अवतार ले चुके हैं, उनका जन्म हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि उनकी कितनी मनमोहक और आकर्षक झांकी सजाई गई है, पालने में झूलते हुए भी भगवान श्री कृष्ण नज़र आ रहे हैं। और आज दोपहर से ही यहाँ पर वो नज़ारा नज़र आने लगा है जो अक्सर बाकी के मंदिरों में रात को 12 बजे नज़र आता है। यहाँ पर सभी औषधियों से इनका अभिषेक किया गया है, पंचगव्य से अभिषेक किया गया है, साथ ही में पंचामृत से इनका अभिषेक किया जा चुका है। और इसकी जो इंटरेस्टिंग कहानी है वो ये है कि ये भगवान को इतना फेमिलियर तरीके से मानते हैं, इतने इमोशनली उनसे अटैच रहते हैं कि और इस मंदिर के परिवार से जुड़ी हुई नमस्ते राधे राधे, क्या महत्व है इस मंदिर का हम आपसे जानना। ये श्री राधा मोदर जी का मंदिर है। हम लोग ओरिजिनली फ्रॉम वृंदावन, जब औरंगजेब ने हमला किया था वृंदावन में तो हम सब गोस्वामी लोग अपने भी ठाकुर जी लेके जयपुर पधार गए थे। तो जयपुर हिज हाइनेस जय सिंह जी ने हम लोगों को यहाँ शरण दिया था। और जहाँ जहाँ हमारे ठाकुर जी रुके, जैसे गिरिराज गोवर्धन में रुके, वहाँ पे भी दामोदर जी का स्थान है। और ओरिजिनली दामोदर जी, श्री राधा दामोदर जी वृंदावन से यहीं आ गए। गोविंद जी, दामोदर जी, गोपीनाथ जी और मदन गोपाल जी, ये चार हमारे गोस्वामी टेम्पल्स हैं जो वृंदावन से ओरिजिनली जयपुर आए हुए। और जय सिंह महाराज, जय सिंह जी ने यहाँ पे हमको शरण दिया और हम लोगों ने फिर यहाँ पे अपना स्थापना यहाँ कर। गोविंद देव जी में तो रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, लेकिन राधा दामोदर मंदिर में ऐसी क्या वजह है? बहुत बड़ा गुड़ है क्योंकि हमारे इतनी भी हम लोग सब रिलेटिव ही है, तो हम लोगों का ये सिस्टम है कि यहाँ पे हम लोगों का बड़ा होता है। मेरे दादा परदादा गोविंद देव जी महाराज से बड़े थे, मतलब रिलेशन वाइज, तो सब लोग यहाँ पे आके उनका जन्म करा के फिर सुबह शाम को जाके वहाँ पे गोविंद देव जी में अपना, रात को हम लोग वहाँ सेवा में चले जाते थे। गोविंद देव जी को महाराज ने रख लिया, वो हमारे यहाँ के राजा है गोविंद देव जी महाराज, और महाराज के उसमें शरण में वो है। दोपहर के मानने के पीछे एक जो इमोशनली एक कारण है वो ये भी माना जाता है कि इनको बाल स्वरूप में हम मानते हैं। हाँ, हाँ, और हम ये सोचते हैं कि ये भी अपने परिवार का ही एक बच्चा है। तो बच्चा आ गया घर में, अब बड़ा बच्चा वहाँ रात को पूरे मतलब इंडिया में, पूरे भारतवर्ष, वर्ल्ड वाइड फिर रात में मनाया जाता। सिर्फ श्री राधा मोदर जी का जो पीठ है वो हमारे यहाँ पे दामोदर जी ही हमारे यहाँ पे होते हैं। सिर्फ वर्ल्ड में वन टेम्पल है जो यहाँ पे है, एकमात्र जयपुर का ये मंदिर है जहाँ पर दोपहर को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और क्या अंदाज होता है, बहुत मनमोहक यहाँ पर झांकियाँ सजाई जाती है, बड़ी संख्या में जयपुरवासी यहीं से अपने कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव की शुरुआत करते हैं।